शुक्रवार को नगरपालिक निगम भिलाई के कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर बीएमएस के आह्वान पर रायपुर के तूता ग्राम में प्रायोजित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने सामूहिक अवकाश पर रहे, जिससे निगम का कार्य प्रभावित रहा। निगम भिलाई के कर्मचारियों सहित समस्त संवर्ग के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर नया रायपुर के तूता ग्राम में शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते निगम भिलाई में लगभग सभी विभागों में या तो ताला लगा हुआ मिला या फिर पूरा विभाग टेबल कुर्सियों से सुसज्जित मिला। नगरपालिक निगम के कर्मचारियों ने भी अपनी वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार को सामूहिक अवकाश ले लिया, जिससे निगम पहुंचे लोगों को अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकते देखा गया। परंतु वेतन न मिलने के बावजूद भी निगम के कर्मचारियों ने मानवता का परिचय देते हुए सफाई, पानी एवं अन्य जरूरी कार्यों को चालू रखा, जिससे शहरवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। परंतु यह स्थिति आगे शायद बिगड़ सकती है यदि निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। देखिए, ये मांग जो है ये खाली नगर निगम भिलाई की मांग नहीं है, लगभग स्थानीय सरकार के अंतर्गत जितने भी नगर निगम, नगर पालिकाएँ और नगर पंचायतें आती हैं सरकार के अंतर्गत, इसमें पिछले एक सालों से वेतन को लेकर के और अन्य प्रकार की जो कर्मचारियों से संबंधित जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा था, जिसके चलते ये पहले से ही पूर्व घोषित कार्यक्रम था। आज हमारा जिला मुख्यालय में, समस्त जिला मुख्यालयों में आज धरना है। 3 बजे हम ज्ञापन सौंपेंगे माननीय कलेक्टर महोदय को, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी प्रांत के और जिले के। उसी अनुक्रम में स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ जो बीएमएस के बैनर तले, उन लोग आज जो है तूता में विधानसभा घेराव का उनका पूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित था 3 मार्च को। तो इस प्रकार दो संगठन अलग अलग कर्मचारियों के हितार्थ जो है लामबंद हो रहे हैं। हम लोगों ने जो है आवश्यक सेवाओं को टोटल साफ सफाई को, पानी को, बिजली को छोड़ कर रखा है और हम सिर्फ स्वेच्छा से जो लोगों ने यहाँ पर आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है, 350-300 एप्लीकेशन से ज़्यादा यहाँ आ चुकी है मेन कार्यालय में। इसी प्रकार जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं साइड ऑफिसेज में, वहाँ भी लोगों ने जो है एप्लीकेशन दे करके जो है वो रायपुर जा रहे हैं और जिला मुख्यालयों में सम्मिलित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में। अस्पताल नहीं, आज हमारा ज्ञापन देकर के 3 बजे खत्म हो जाएगा और इनका भी 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रोग्राम है कोटा में। तो हमारे संगठन जो हमारे मित्र जो दूसरे संगठन के भाई हैं, उनका भी जो है पूरे प्रदेश के लोगों का रायपुर में है। इस प्रकार से जो है दो संगठन समस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय नगर निगम के लिए और राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मांग को लेकर के आज जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। परिवार छुट्टी सोमवार से यथावत कार्य रहेगा और हमारा स्वास्थ्य अपना कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का तो 18 मार्च को भी एक दिवसीय जो है आंदोलन का प्रोग्राम है रायपुर जिले में। इस प्रकार चरणबद्ध आगे बढ़ते चले जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य साथी महाकर्मचारी संघ का जो भी आंदोलन भी है अपने हिसाब से वो भी बढ़ते चले जाएगा। एक दिवसीय आंदोलन है और टोटली एक दिवसीय आंदोलन। अब इसके बाद सरकार की नींद खुलनी चाहिए और ये मांगे काफ़ी 14 सूत्री तृणमूल कमेटी की मांगों के लेकर के पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगातार जो हमारा 18 दिन आंदोलन चला, तो इसमें जो HRA को लेकर के और महंगाई भत्ते को लेकर के, वेतन विसंगति को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो HRA और हाउस रेंट का, HRA का और महंगाई भत्ते को तो सरकार ने तृणमूल कमेटी की रिपोर्ट ही अभी नहीं दी है। 3 महीना ऊपर हो गया, अक्टूबर में जो दे दिया 3 महीना पर ऊपर चल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और निकट भविष्य में चुनाव भी है, आगे आगामी मंथ में बजट भी है, ये सब देखते हुए उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें सरकार निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सभी निकायों के समस्त संवर्ग वेतन विसंगति एवं वेतन न मिलना सहित और कई मामलों से परेशान चल रहे हैं और भविष्य में भी यही स्थिति रही तो वेतन नहीं, काम नहीं का नारा बुलंद करते हुए यह सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।